The Bachcha of Bollywood, none other than Shah Rukh Khan. जब हम बॉलीवुड सितारों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आलीशान बंगले और लग्जरी लाइफस्टाइल का ख्याल आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बड़े फिल्मी सितारे ऐसे हैं जो आज भी किराए के मकानों में रहते हैं। करोड़ों रुपए की कमाई करने के बावजूद ये फिल्म स्टार्स काफी सालों से किराए के घरों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मी सितारों के बारे में जो अब तक किराए के घरों में रह रहे हैं। माधुरी दीक्षित, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीता है, वो आज भी किराए के घर में रहती हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में बने एक आलीशान अपार्टमेंट में वो अपने पति डॉक्टर श्रीराम नैने के साथ रहती हैं। लेकिन इस घर का किराया सुनकर आप चौंक जाएंगे। माधुरी दीक्षित हर महीने 12.5 लाख रुपए किराया देती है, और इतना ही नहीं, इस अपार्टमेंट के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए का डिपॉजिट भी दिया है। घर उन्होंने 3 साल के लिए किराए पर लिया है, जो ये दर्शाता है कि लाखों की कमाई करने के बावजूद ये फिल्म स्टार्स भी किराए के मकानों में रहना पसंद करते हैं। कृति सेनन, बॉलीवुड की सुपरहिट एक्टर्स कृति सेनन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कृति अपने परिवार के साथ मुंबई में एक किराए के घर में रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के डुप्लेक्स होम में रहती हैं, जिसका किराया हर महीने 10 लाख रुपए वो देती हैं। कृति सेनन ने ये साबित किया है कि वो जमीन से जुड़ी एक सच्ची कलाकार है, जो बड़ी सफलता के बावजूद भी सादगी के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर रहती हैं। ऋतिक रोशन, बॉलीवुड के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन, जो साल 2020 से एक किराए के घर में रह रहे हैं। वो फिल्मों में करोड़ों रुपए तो चार्ज करते हैं, लेकिन आज भी वो एक किराए के घर में रह रहे हैं, और जिसका किराया वो हर महीने 8,25,000 रुपए भरते हैं। ऋतिक रोशन का ये फैसला दर्शाता है कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले स्टार भी एक साधारण जीवन को महत्व देते हैं। जैकलीन फर्नांडिस, साल 2021 में जैकलीन फर्नांडिस ने प्रियंका चोपड़ा के मुंबई वाले आलीशान अपार्टमेंट कर्मयोग को किराए पर लिया, और इस शानदार अपार्टमेंट को जैकलीन ने 3 साल के लिए किराए पर लिया है, और इसका किराया है 6,78,000 महीना। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने किराए के घर को अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन का अड्डा बना लिया है, जहाँ से वो अपनी ग्लैमरस लाइफ को बखूबी मालती हैं। कटरीना कैफ और विक्की कौशल, कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी के बाद मुंबई के जुहू इलाके की राजमहल बिल्डिंग में एक आलीशान अपार्टमेंट लिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस अपार्टमेंट को किराए पर लिया है। दोनों हर महीने इस घर का किराया लगभग 8 लाख रुपए भरते हैं। उनकी शादी के बाद ये खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी कि विक्की और कटरीना जो है एक किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही जमीन से जुड़े हैं और बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने अपनी शानो शौकत से परे किराए के घरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। करोड़ों की कमाई और ग्लैमरस जीवन शैली के बावजूद ये स्टार्स हमें सिखाते हैं कि कभी कभी साधारण और सादगी भरी जिंदगी जीना ही असली खुशहाली देती है। इन फिल्मी सितारों की कहानियां हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि असली सफलता बड़ी प्रॉपर्टी या बड़े बंगले में नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े रहने में ही असली जिंदगी का मजा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।